महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के खत्रीवाड़ा क्षेत्र में स्थित मुक्तेश्वर महादेव 84 महादेवों में 25वें नंबर के महादेव हैं। पुराने कथाओं के अनुसार पहले राथंतर कल्प में मुक्ति नाम का जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह महाकाल के पास स्थित मुक्तेश्वर में तप करता था। एक समय नहाने के लिए वह शिप्रा पर गया। वहां नदी तट पर बैठकर वह जप कर रहा था। तब एक व्याघ्र उसे मारकर लूटने आया, परंतु ब्राह्मण के ध्यान में स्थित विष्णु भगवान के प्रभाव से उसका मन बदल गया। उसने कहा, मैं भी आपके पास बैठकर तप करूंगा। ब्राह्मण ने उसे पापी समझकर कोई उत्तर नहीं दिया। तब वह व्याघ्र नदी में स्नान कर इस लिंग के पास बैठकर पूजन करने लगा। भगवान की कृपा से वह लिंग में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर वह ब्राह्मण चकित हो गया। उसने सोचा कि इतनी तपस्या से भी मुझे मुक्ति नहीं मिली है, इस व्याघ्र को थोड़े से ही तप से मुक्ति कैसे मिल गई। तब वह ब्राह्मण जल में खड़े होकर तप करने लगा। उस समय एक भूखा बाघ वहां आया। वह जल में खड़े ब्राह्मण को खाना चाहता था। तब डरकर ब्राह्मण ने नमो नारायणन का उच्चारण किया। नारायण शब्द सुनते ही वह बाघ अपनी योनि छोड़कर दिव्य पुरुष हो गया। ब्राह्मण के पूछने पर उसने बतलाया कि पूर्व जन्म में वह दीर्घबाहु नाम का प्रतापी राजा था, परंतु वह ब्राह्मणों का आदर नहीं करता था। ब्राह्मणों के शाप से वह व्याघ्र हो गया। उसने ब्राह्मणों की स्तुति की, हे ब्राह्मणों, मैं आपका तेज जानता हूँ। अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पीकर खारा कर दिया था। उन्होंने वातापी राक्षस को उदरस्थ कर दिया था। भृगु ने आग को सर्वभक्षी कर दिया था। गौतम ने इंद्र को सहस्र योनि होने का श्राप दे दिया था। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमार को सोमरस पान करने योग्य बनाया था। कीर्तिवीर्य अर्जुन को दत्तात्रेय की कृपा से अपनी 1000 भुजाएं मिली थी। ब्राह्मणों का प्रभाव मुझे ज्ञात है। तब ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, जब तुम कालिका का वाहन बनकर शिप्रा में कभी स्नान करने जाओगे और वहां जल में खड़े किसी ब्राह्मण के मुख से नमो नारायणाय शब्द सुनोगे तो तुम्हारी इस योनि से मुक्ति हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने उससे पूछा, 13 वर्ष योगाभ्यास करने पर भी मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तब उसने कहा कि महाकाल के पास मुक्ति लिंग है, उसकी पूजा करो। इसके बाद वह राजा और ब्राह्मण वहां आए। इस लिंग की पूजा कर वे सह शरीर उसमें समा गए। इस लिंग की ऋषि मुनि देवता आदि सभी पूजा करते हैं। इसके दर्शन पूजन से वे निर्वाण पाकर शिव रूप हो जाते हैं। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।